जैसा कि आपने देखा ब्रिज ऑफ स्पाइस पार्ट वन में कि कैसे CIA के संचालन में US एयरफोर्स द्वारा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम तहत लॉकेट U2 को सोवियत यूनियन टेरिटरी में भेजा गया। इस ऑपरेशन में कैसे लॉकेट U2 को SA-2 मिसाइल द्वारा गिराया गया जिसकी वजह से पायलट ने इजेक्ट होकर सोवियत यूनियन टेरिटरी में लैंड हुए। कैप्टन फ्रांसिस गैरी पावर्स को सोवियत यूनियन टेरिटरी में एस्पिनाज गतिविधि को अंजाम देने के लिए सोवियत यूनियन के कानून में आर्टिकल 2 के तहत 10 साल सख्त कारावास की सख्त सजा मिली। इस घटना के 3 वर्ष पहले यानी 21 जून 1957 सुबह 7 बजे न्यूयॉर्क में स्थित मैनहट्टन के लेटम होटल रूम नंबर 839 पर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कुछ एजेंट्स ने दस्तक दी। उस कमरे में 54 वर्ष के आसपास एक पेंटर रह रहा था। FBI एजेंट्स ने कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया। FBI एजेंट्स उस आदमी को कॉलोनल के बुला रहे थे। कुछ देर बाद उस आदमी को सोवियत यूनियन के KGB एजेंट से बुलाने लगे। उनके अनुसार वह एक KGB एजेंट था। कुछ देर में इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विस के कुछ ऑफिसर्स आ पहुंचे। उस व्यक्ति को इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के सेक्शन 242 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। यह एक अजीब सा दृश्य लग रहा था कि इतनी सुबह FBI एजेंट्स एक होटल के कमरे में घुसकर एक पेंटर आर्टिस्ट को गिरफ्तार किया। कुछ देर में उस व्यक्ति को टेक्सास राज्य के मैकएलन में स्थित फेडरल एलियन डिटेंशन फैसिलिटी में 6 हफ्तों के लिए रखा गया। कई तरह के इंटरोगेशंस भी हुए जिसमें यह पता लगा कि उस आदमी का नाम रुडोल्फ इवेनोविक एबल और वो एक सोवियत नागरिक था। इन 6 हफ्तों के बीच FBI ने रुडोल्फ के होटल रूम और फोटो स्टूडियो की तलाशी की जिसमें उन्हें कई चीजें मिली। कई सारे एस्पिनाज इक्विपमेंट्स मिले जैसे शॉर्टवेव रेडियो, काइपर पैड्स और कुछ कैमरास और माइक्रोडॉट्स भी मिले। और तो और करीब $4,000 के साथ 250 पन्नों की रशियन कोड बुक भी मिली। इन सब से साफ साफ लग रहा था कि रुडोल्फ एबिल एक सोवियत जासूस था। 7 अगस्त 1957 रुडोल्फ को टेक्सास से न्यूयॉर्क वापस लाया गया और कोर्ट ट्रायल भी शुरू कर दिए गए। 15 नवंबर 1957 रुडोल्फ को 30 साल के जेल की सजा हुई। आखिर कौन है रुडोल्फ एबिल और उसके जेल से कैप्टन फ्रांसिस गैरी पावर्स से क्या लेना देना? ऐसा क्या किया रुडोल्फ एबिल ने जिसके कारण उसे 30 वर्ष की सख्त कारावास की सजा मिली? जानने के लिए देखिए हमारे इस वीडियो ब्रिज ऑफ स्पाइस पार्ट 2 को। रुडोल्फ एबल का असली नाम विलियम ऑगस्ट फिशर था जिसका जन्म 11 जुलाई 1903 नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड के न्यूकासल में हुआ था। विलियम ऑगस्ट फिशर अपने पिता हेनरिक और माता ल्यूबोव फिशर के दूसरे पुत्र थे। पिता जर्मन तो माता रशियन थी। फिशर और उसका भाई हेनरी दोनों पढ़ाई में अच्छे थे। अपनी पढ़ाई में कौशलता की वजह से दोनों को विले बेस हाई स्कूल और मॉन्कसेटन हाई स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। फिशर का पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक के प्रति भी झुकाव था। पिता से पियानो और गिटार में निपुणता प्राप्त की। वर्ष 1920 लंदन यूनिवर्सिटी ने फिशर को एडमिशन का ऑफर दिया, परंतु परिवार की आर्थिक परिस्थिति नाजुक होने के कारण फिशर ने ऑफर को अस्वीकार किया। वर्ष 1921 फिशर अपने परिवार के साथ मॉस्को शिफ्ट हुए। फिशर की खास बात यह थी कि उन्हें इंग्लिश, रशियन, जर्मन, पोलिश और इदिश भाषा का सही ज्ञान था। सोवियत यूनियन में उन्हें ट्रांसलेटर की नौकरी की और साथ ही साथ उन्हें रेडियो ऑपरेटर की ट्रेनिंग भी मिली। वर्ष 1925 और 1926 में सोवियत यूनियन के रेड आर्मी के रेडियो बटालियन में अपनी सेवा भी प्रदान की। उसके बाद रेडियो रिसर्च इंस्टीट्यूट में नौकरी की। मई 1927 में उन्होंने सोवियत यूनियन के जॉइंट स्टेट पॉलिटिकल डायरेक्टरेट जो एक इंटेलिजेंट और सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट थी उससे जुड़े। उसी वर्ष उनका विवाह एलेना लेबडेवा नाम की एक महिला से हुआ। अक्टूबर 1929 में पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया।
जॉनस्टेड पॉलिटिकल डायरेक्टरेट यानी ओजीपीयू में काम करते वक्त उनका रशियन नाम रखा गया विलियम गेनिक्रोविच फिशर। फिशर ओजीपीयू में रेडियो ऑपरेटर की हैसियत से नॉर्वे, टर्की, यूके और फ्रांस में काम किया। वर्ष 1936 वह सोवियत यूनियन में वापस लौटे। वर्ष 1948 में फिशर ने केजीबी ज्वाइन किया। वहां उसे यूएसए में केजीबी के लिए भेजा जाने वाला था और उसके लिए उसे कड़ी ट्रेनिंग भी दी गई। अक्टूबर 1948 सोवियत पासपोर्ट के साथ फिशर ने मॉस्को में स्थित लेनिनग्राद्स्काई स्टेशन से पेरिस के वॉर्सो शहर में जा पहुंचा। वहां सोवियत पासपोर्ट को छोड़ यूएस पासपोर्ट लेकर चेकोस्लोवाकिया के माध्यम से स्विट्जरलैंड से पेरिस पहुंचा। यूएस पासपोर्ट में फिशर का नाम एंड्रू कायोतिस था। यह उसका पहला फेक आइडेंटिटी था। उस आइडेंटिटी में फिशर यानी एंड्रू कायोतिस का जन्म लुथियानिया, जो यूएस में आकर वहां की नागरिकता चाहता है। इससे पहले एंड्रू सोवियत यूनियन में भी गया परंतु बात न बनी। 26 नवंबर 1948 फिशर की मुलाकात जोसेफ रोम वोल्दोविच ग्रिकोगेलविच नाम के सोवियत स्पाई से हुई, जिसका कोड नेम मार्क्स था। जोसेफ ने फिशर को जाली बर्थ सर्टिफिकेट और एक नया नाम दिया, एमिल रॉबर्ट गोल्डफुस, और कोड नेम मार्क था। साथ ही साथ $1,000 भी दिए। जुलाई 1949 फिशर की मुलाकात कुछ स्लीपर एजेंट से हुई। उन्हीं के साथ मिलकर गुप्त तरीके से यूएस के एटॉमिक सीक्रेट रशिया तक पहुंचाने का काम जारी रखा। वर्ष 1953 फिशर ब्रुकलिन में शिफ्ट हुआ और वहां एक कमरा किराए पर लिया। फिशर ने वहां अपनी आइडेंटिटी एक फोटोग्राफर की बताई। अपनी आइडेंटिटी को और मजबूत बनाने के लिए पेंटिंग का अभ्यास किया और उसके बाद एक्सपर्टीज पाने के बाद पेंटर भी बन गया। वर्ष 1954 फिशर का असिस्टेंट बना सोवियत स्पाई रेनो हाइनेन। दोनों साथ में काम करते और इंटेलिजेंस रिपोर्ट केजीबी तक पहुंचाते। फिशर को रेनो हाइनेन के साथ काम करने में दिक्कतें होने लगी और वजह थी उसके लगातार शराब का सेवन और उसके एथिक्स भी सही न थे। एक दिन दोनों न्यूयॉर्क के बियर माउंटेन पार्क पहुंचे और वहां गुप्त तरीके से $5,000 को छुपा रखा। उस रकम को सोवियत स्पाई मॉर्टन सोबेल की पत्नी के पास पहुंचाना था। मॉर्टन सोबेल को वर्ष 1951 यूएस कोर्ट द्वारा एस्पिनाज गतिविधि को अंजाम देने के जुर्म में 30 साल की सख्त कारावास की सजा सुनाई गई। फिशर उस वक्त अपने काम को अच्छे से अंजाम तो दे रहा था परंतु अपने घर और परिवार को देखे काफी समय भी हो चुका था। वर्ष 1955 आखिर काफी समय बाद फिशर को मॉस्को वापस बुलाया गया। न्यूयॉर्क में हो रहे केजीबी के मिशन की जिम्मेदारी रेनो हाइनेन को मिली। मॉस्को में पहुंचते ही फिशर ने केजीबी के सीनियर ऑफिसर्स को हाइनेन की शिकायत की और यह भी बताया कि वो मिशन को खतरे में डाल सकता है। करीब 6 महीने की छुट्टी खत्म कर फिशर न्यूयॉर्क वापस पहुंचा। न्यूयॉर्क पहुंचते ही फिशर को स्लीपर एजेंट्स के नेटवर्क में ढेर सारी कमियां दिखने लगी। फिशर का गुस्सा सातवें आसमान में जा पहुंचा जब उसे यह पता चला कि केजीबी द्वारा भेजे गए तमाम पैसों को रेनो ने अपने मौज शौक व लड़कियों पर खर्च कर दिए। फिशर ने मॉस्को में रेनो की शिकायत की। रेनो को कुछ दिन बाद केजीबी से मॉस्को वापस लौटने के ऑर्डर मिले। केजीबी उसे लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रमोट करेगी, ऐसी बात रेनो से कही गई। रेनो को केजीबी के ऑर्डर्स ने डरा कर रख दिया। उसे अपने भांडा फूटने का डर सताने लगा। उसी के ठीक 4 दिन बाद रेनो मॉस्को की जगह पेरिस जा पहुंचा। 4 मई 1957 रेनो पेरिस में स्थित अमेरिकन एम्बेसी में जा पहुंचा। उस वक्त उसने शराब पी रखी थी और एम्बेसी में खुद को सोवियत स्पाई बताकर यूएस में शरण लेने की बात कही। CIA ने जब उसकी बात सुनी तो उसका यकीन करने से साफ साफ मना कर दिया। रेनो अपनी बात पर डटा रहा। 11 मई 1957 CIA ने उसे यूएस वापस भेजा FBI के हवाले। FBI द्वारा किए गए इंटेरोगेशन में भी रेनो का वही उत्तर था। उन्हें यकीन कराने के लिए रेनो ने उसके साथ काम कर रहे कुछ स्लीपर एजेंट्स की तस्वीरें और जानकारियां प्रदान की। इन सब के बाद रेनो ने फिशर की आइडेंटिटी भी FBI के समक्ष एक्सपोज कर दिया। इन सब ने फिशर की मुसीबतों को बढ़ा दिया। बहुत जल्द फिशर के लिए यूएस में रहना खतरे को आमंत्रित करने के बराबर होने वाला था।
अप्रैल 1957 के वक्त फिशर ने अपने दोस्त से कहा कि वो 7 हफ्तों के लिए वेकेशन में जा रहा है। उसी के 3 हफ्ते बाद रेनो द्वारा दिए गए जानकारी के आधार पर FBI एजेंट्स ने फिशर के फोटो स्टूडियो के आसपास इलाकों को स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस पर रखा। FBI एजेंट्स फिशर को उसके कोडनेम से ही बुला रहे थे। मार्क फिशर का कोडनेम था। 28 मई 1957 FBI एजेंट्स ने फुलटॉन स्ट्रीट के सामने पार्क में एक आदमी को स्पॉट किया जिसका व्यवहार लोगों से अलग था। वो आदमी काफी चिंता में था। FBI एजेंट्स को शक होने लगा कि वो आदमी जरूर मार्क यानी फिशर ही होगा। 13 जून 1957 की आधी रात में FBI एजेंट्स को फिशर के फोटो स्टूडियो में कोई दिखाई दिया। अगले दिन गुप्त तरीके से उस आदमी की तस्वीरें FBI एजेंट्स ने ले ली। फोटो को तुरंत रेनो के पास लाया गया और कंफर्मेशन मांगा गया कि क्या वो मार्क ही है। फोटो को देखते ही रेनो ने कहा कि तस्वीर जिस आदमी की है वह मार्क ही है। अब FBI ने फिशर पर अपनी नजरें जमा ली। फिशर को दूसरी तरफ रेनो की गैरहाजिरी ने सिद्ध करवा दिया कि वो CIA से मिल चुका है। वो समझ चुका था कि अब US से भागने का वक्त आ चुका है, परंतु जब तक KGB से प्रॉपर प्लानिंग या फिर बैकअप ना मिले तब तक भागने के बारे में सोचना भी सही नहीं। फिशर जाने अनजाने में सही था क्योंकि उसका अब देश से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। 21 जून 1957 सुबह 7 बजे FBI एजेंट्स ने लेथम होटल के रूम नंबर 839 के दरवाजे पर दस्तक दी। FBI एजेंट्स ने फिशर के कमरे की तलाशी ली। कुछ ही देर में इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विस के ऑफिसर्स आ पहुंचे और फिशर को इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट सेक्शन 242 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद फिशर को टेक्सास राज्य में मैकएलन में स्थित फेडरल एलियन डिटेंशन फैसिलिटी में 6 हफ्तों के लिए रखा गया। वहां उस पर तरह तरह के इंटेरोगेशन हुए जिसमें यह पता चला कि फिशर का असली नाम रुडोल्फ इवानोविच एबिल था। इन 6 हफ्तों में रुडोल्फ के कमरे की तलाशी ली गई जिसमें FBI को एस्पिनाज इक्विपमेंट्स, कैमरास और माइक्रोडॉट्स भी मिले। $4,000 के साथ 250 पन्ने की रशियन कोड बुक भी मिली। 7 अगस्त 1957 रुडोल्फ को टेक्सास से न्यूयॉर्क वापस लाया गया और उसके बाद कोर्ट ट्रायल भी शुरू हुए। अक्टूबर 1957 कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बात साफ साफ साबित हो चुकी थी कि रुडोल्फ एबिल एक सोवियत स्पाई है जिसने US की धरती पर एस्पिनाज गतिविधि को अंजाम दिया। कोर्ट ने रुडोल्फ एबिल पर 3 धाराएं लगाई। नंबर 1, कॉन्स्पिरेसी टू ट्रांसमिट डिफेंस इंफॉर्मेशन टू सोवियत यूनियन के तहत 30 साल जेल की सजा। नंबर 2, कॉन्स्पिरेसी टू ऑब्टेन डिफेंस इंफॉर्मेशन के तहत 10 साल जेल की सजा। नंबर 3, कॉन्स्पिरेसी टू एक्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज एन एजेंट ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट विदाउट नोटिफिकेशन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तहत 5 साल जेल की सजा। रुडोल्फ पर काफी दबाव डाला गया, परंतु CIA नाकाम रही रुडोल्फ का स्पाई नेटवर्क पता लगाने में। 15 नवंबर 1957 जज मोर्टिमर बायर्स ने रुडोल्फ एबल पर $3,000 का जुर्माना लगाया। रुडोल्फ एबल को अटलांटा फेडरल पेनिटेंशरी में शिफ्ट किया गया। मई 1960 फ्रांसिस गैरी पावर्स का सोवियत यूनियन में पकड़े जाने से निकिता क्रुशेफ लगातार US गवर्नमेंट को घेर रहे थे। इन सब घेराव के बीच अचानक से US डिप्लोमेट्स ने रुडोल्फ एबल का नाम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। लगातार KGB कॉलोनेल के नाम से US ने USSR को घेरने का काम किया। उन दिनों में रुडोल्फ एबल के डिफेंस लॉयर जेम्स बी डोनोवान थे। लगातार फ्रांसिस गैरी पावर्स और रुडोल्फ एबल के नाम ने दोनों देशों के भविष्य के फैसले को चिंता का विषय बनाया। फ्रांसिस गैरी पावर्स सोवियत की जेल से पिता ओलिवर पावर्स को खत लिखते जिसमें वह बताते कि वह ठीक है और उनकी चिंता ना करें। ओलिवर पावर्स एक पिता थे और बेटे को दूसरे देश के जेल में सजा काटते देख व्याकुल होते। उन्हें बस अपना बेटा वापस चाहिए था। इसी व्याकुलता में ओलिवर पावर्स ने रुडोल्फ एबल को खत भेजा और आग्रह किया कि अपने देश से बात करके अपने बेटे को US वापस भेजे और खुद भी अपने देश जाकर अपने परिवार के साथ खुश रहें। रुडोल्फ एबल ने इस खत का जवाब ओलिवर को देते हुए लिखा कि वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अपने परिवार के साथ बात नहीं करने दिया जा रहा,
और तो और उनके साथ कठोर व्यवहार किया जा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। डिफेंस लॉयर जेम्स बी डोनोवान ने दोनों लेटर्स के दो कॉपीज बनाई, एक कॉपी को न्यूयॉर्क में एफबीआई तो दूसरे कॉपी को वॉशिंगटन में सीआईए के पास भेजा। इन सब के बाद भी जस्टिस एंड स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 17 अगस्त 1960 उस दिन फ्रांसिस गैरी पावर्स का 31वां जन्मदिन था। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर जहां उन्हें अपने परिवार के साथ होना चाहिए था, वहीं वो अपने पहले कोर्ट ट्रायल के लिए जा रहे थे। डबल ब्रेस्टेड सूट में फ्रांसिस गैरी पावर्स को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां उसे सब घृणा की नजर से देख रहे थे। अंत में फ्रांसिस गैरी पावर्स को यूएसएसआर की धरती पर एस्पियनेज गतिविधि को अंजाम देने के लिए आर्टिकल 2 के तहत 10 साल सख्त कारावास की सजा मिली। इस फैसले से फ्रांसिस गैरी पावर्स की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। 2000 सोवियत नागरिकों के गालियों के बीच फ्रांसिस गैरी पावर्स खुद को आधा मरा हुआ मान रहे थे। जनवरी 1961 वाइट डी हाइजनहोवर के बाद जॉन एफ कैनेडी यूएस के 35वें राष्ट्रपति बने। देश की सत्ता अब दूसरे के हाथ लगी तो जाहिर सी बात थी कि गवर्नमेंट दूसरे तरह से काम करेगी। अपने पति को जेल से रिहा करवाने के संघर्ष में लगी मिसेज हेलेन एबिल को उम्मीद की एक किरण नजर आई। हेलेन एबिल ने प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को खत भेजा और अपने पति के आजादी की गुहार लगाई। डिफेंस लॉयर जेम्स बी डोनोवान भी लगातार अपना पूरा प्रयास कर रहे थे रुडोल्फ और फ्रांसिस को जेल से रिहा कराने में। वक्त के साथ साथ उनकी मेहनत भी सही दिशा की तरफ जा रही थी। 11 जनवरी 1962 जेम्स डोनोवान यूएस गवर्नमेंट के बुलावे पर वॉशिंगटन में मीटिंग अटेंड करने गए। वहां मीटिंग पर उनसे फ्रांसिस और रुडोल्फ के ईस्ट बर्लिन में एक्सचेंज होने के विषय पर बात हुई। जेम्स डोनोवान से यह पूछा गया कि रुडोल्फ को क्यों सोवियत यूनियन में वापस भेजा जाए, आखिर वो एक स्पाई है जिसके पास हमारे देश की कई सारी जानकारियां होगी, उसे छोड़कर जाने देने का मतलब देश के सुरक्षा के साथ समझौता करने के बराबर होगा। जवाब में जेम्स डोनोवान ने कहा कि रुडोल्फ की उम्र ज्यादा हो चुकी है और अक्सर वो बीमार रहता है। यह बात साफ साफ समझ में आ सकती है कि केजीबी के लिए अब वो कोई काम का नहीं। उसे रिहा कर भी दे तो उल्टा से केजीबी उसके अचानक से हुई रिहाई पर सवाल करेगा और उसके दिए हुए जानकारी पर खासा ध्यान नहीं देगा। रुडोल्फ को आजाद करने के बदले में आसानी से फ्रांसिस गैरी पावर्स को वापस लाया जा सकता है। यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जेम्स डोनोवान की यह बात सही लगी। सभी के सहमति से जेम्स डोनोवान को ईस्ट जर्मनी भेजने की तैयारी की गई। यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी क्योंकि पहले जेम्स को लंदन भेजा जाएगा और फिर आगे के सफर की तैयारी होगी। करीब 2 हफ्ते बाद सारी तैयारियां पूरी की गई और कुछ लॉयर्स के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्हें बताया गया कि ईस्ट जर्मन ने एक फेडरिक एल प्रायर नाम के यूनिवर्सिटी छात्र को एस्पियनेज गतिविधि के जुर्म में गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ एक और स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया था। उस स्टूडेंट का नाम मेरविन मैकिनन था जिसके पास कुछ इलीगल फोटोग्राफ्स बरामद हुए और इसके लिए उसे 8 साल के जेल की सजा मिली। यूएस गवर्नमेंट ने जेम्स को फ्रांसिस के साथ 2 अमेरिकन विद्यार्थियों को वापस लाने का काम सौंप दिया। 30 जनवरी 1962 जेम्स डोनोवान लंदन पहुंचे और अब उन पर अमेरिकन को वापस लाने की जिम्मेदारी थी। लंदन में उन्होंने क्लैरिज होटल में चेक इन किया। वहां उनकी मुलाकात मिस्टर व्हाइट नाम के आदमी से हुई। जेम्स डोनोवान को सिक्योरिटी पर्पस की वजह से अपना नाम मिस्टर डेनिस रखना पड़ा। 2 फरवरी जेम्स वेस्ट बर्लिन पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात मिस्टर बॉब नाम के एक अमेरिकन से हुई। दोनों ने आगे का प्लान डिस्कस किया। जेम्स वेस्ट जर्मनी से ईस्ट बर्लिन पहुंचे ट्रेन से। ईस्ट बर्लिन के सोवियत एम्बेसी में मीटिंग होने वाली थी। वहां उनकी मुलाकात रुडोल्फ की बेटी और पत्नी से हुई। दोनों के आंखों में आंसू थे। जेम्स ने दोनों को आश्वासन देते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोपहर 12 बजे जेम्स की मुलाकात एम्बेसी के सेकेंड सेक्रेटरी इवान अलेक्जेंड्रोविच शिशकिन से हुई। इवान को जेम्स ने प्रेसिडेंट द्वारा साइन किए पेपर्स प्रस्तुत किए। मीटिंग में इवान ने मामूली सा प्रश्न किया कि एक के बदले 3 क्यों। उन्होंने आगे कहा कि तीनों को रिलीज करना मुश्किल होगा।
इवान और जेम्स की मीटिंग काफी हद तक सही रही। लगातार कुछ दिन और इवान और जेम्स अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। मॉस्को से इवान तो वॉशिंगटन से जेम का संपर्क जारी रहा। आखिर में मॉस्को से फैसला आया। तय यह हुआ कि रुडोल्फ एबल के बदले फ्रांसिस गैरी पावर्स और फ्रेडरिक प्रायर की रिहाई होगी। रही बात मार्विन मैकिनन की, तो जल्दी भविष्य में उसे रिहा कर दिया जाएगा। 10 फरवरी 1962 आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार फ्रांसिस और रुडोल्फ को था, अपने अपने देश वापस लौटकर आजादी की जिंदगी जीने का आरंभ करने की। यह प्रिजन एक्सचेंज ग्लिनिक ब्रिज पर हुई। यह ब्रिज वेस्ट बर्लिन और पोट्सडैम को जोड़ता था। यह ब्रिज को लोग ब्रिज ऑफ स्पाइस के नाम से जानते हैं। दोनों प्रिजनर्स अपने अपने देश वापस लौट गए। इस पूरी कहानी के असल नायक जेम्स डोनोवान है, जिन्होंने पूरी मेहनत की फ्रांसिस और रुडोल्फ को अपने अपने देश पहुंचाने में। जहां दोनों के परिवार उम्मीद हार चुके थे अपने प्रियजन से मिलने की, उधर जेम्स के 2 साल के निरंतर प्रयास ने नई उम्मीद जगाई और असंभव कार्य को संभव किया। इस घटना के बाद रुडोल्फ अपने परिवार के साथ मॉस्को चले गए और सुख का जीवन बिताया। 15 नवंबर 1971 लंग्स कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हुई। रही बात फ्रांसिस गैरी पावर्स की, तो 6 मार्च 1962 सेनेटर रिचर्ड रसेल जूनियर ने उनके बहादुरी की तारीफ की और उनको देश का गर्व बताया। जहां देश उन्हें हीरो मान रहा था, वहां फ्रांसिस खुश थे अपने देश वापस लौट के। रही बात पर्सनल लाइफ की, तो उनकी पत्नी बारबरा एक शराबी औरत थी जिसका व्यवहार बहुत ज्यादा खराब था। जनवरी 1963 में फ्रांसिस ने बारबरा से डिवोर्स ले लिया। अक्टूबर 1963 फ्रांसिस की दूसरी शादी हुई और पत्नी का नाम क्लॉडिया एडवर्ड्स था। दोनों का विवाहित जीवन सफल रहा। सीआईए डायरेक्टर एलेन डुलिस फ्रांसिस गैरी पावर्स को हीरो मानते थे, एक ऐसा हीरो जिसने मुश्किल वक्त में भी देश के लिए कोई समझौता नहीं किया। वर्ष 1962 से 1970 तक फ्रांसिस लॉकहीड एयरक्राफ्ट के लिए टेस्ट पायलट का काम किया। उसके बाद उन्होंने KNBC टेलीविजन के लिए काम किया। 1 अगस्त 1977 KNBC टेलीविजन हेलीकॉप्टर पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुर्घटना से मृत्यु हुई। इस कहानी में फ्रांसिस और रुडोल्फ के बीच एक आम बात को दर्शाया, और वो था देश के लिए हर मुसीबत का डट के सामना करना, फिर चाहे खुद को हमेशा के लिए खो देना पड़े। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में सत्य एवं साहस की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।